एकता नगर कॉलोनी में देर रात तीन पहिया वाहन लोडिंग टेम्पो के पीछे के दोनों पहियों की चोरी। वाहन मालिक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उसके द्वारा लोडिंग टेम्पो रतलाम से एक दिन पूर्व ही खरीदा गया, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वाहन मालिक को घटनाक्रम का पता चलते ही केंट पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। कल रतलाम से गाड़ी लेके आया शाम को 6 बजे, गणेश जी के चोपड़ा बर्तन में पूजा वूजा कराई, शाम को घर पे लाया 9 बजे, फिर मैं बाजार में गया 9 बजे घर से बाहर, फिर रात को 12 बजे आया, आके देखा तो गाड़ी सही साइड थी। मैं घर के अंदर गया, सुबह उठ के देखा तो दोनों टायर गायब थे और बाहर से दरवाज़ा बंद था, दरवाजे मैंने किसी और से खुलवाया। कितने के थे टायर? हाँ, गाड़ी कितने की है? गाड़ी 3.8 लाख की। और टायर कितने के थे? टायर कम से कम 10-12 हज़ार तो मान के चलो। आपको क्या लगता है किसने चोरी की है? ये तो पता नहीं सकते, बड़े है मोहल्ले वाले ही है जो भी है, क्योंकि चोरों का अड्डा तो यही है। तो आपने पुलिस को सूचना की? कर दिए। अच्छा, फिर अभी आप क्या चाहते हैं? तो ये चाहते कि यहाँ पे थोड़ा सुरक्षित हो, यहाँ पे यहाँ कैमरे भी यहाँ पे एक भी नहीं है। ये घटना आए दिन हो रही है अपने मोहल्ले में और बहुत ज़्यादा परेशान है इस बस्ती में, मतलब चोरों का अड्डा बन चुका है और मोहल्ले वाले ही चोर हैं, कोई भी चोर नहीं है। तो मैं तो प्रशासन से, हमारे जो भी अधिकारी सरकारी कर्मचारी जो भी अधिकारी, उन सबसे चाहता हूँ कि हमारे सीसी कैमरा लगाया जाए यहाँ पे। अभी तो ये टायर चोरी हुई, कुछ दिन बाद मोटर चोरी हुई, कुछ दिन बाद उधर चोरी हुई, तो आए दिन चोरी हो रही है, चोर इसी बस्ती में है और कहीं भी नहीं है, और आए दिन मोबाइल वगैरह चोरी हो रहा है, आए दिन ये चोरी हो रही है, तो हम तो परेशान हैं। मैं खुद मेरी गाड़ी का मतलब टायर को बांध के दोनों को तरह फिर सोता हूँ और 3 बजे रात जरूर उठता हूँ, क्योंकि यहाँ उठना जरूरी है। तो मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि यहाँ पे सीसी कैमरा लगाया जाए, सुरक्षा होगी तो ही हम चोर को पकड़ पाएंगे, तो हमारे हाथ में चोर नहीं आ रहे हैं और बस इसी बस्ती के चोर है।